अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आप लोगों को आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम असलान भाई, कैसे हैं? आपकी तबीयत ठीक है? वालेकुम सलाम, आवाज़ क्लियर है जी आप सबको? आज का जो हमारा पहला लेक्चर है एजुकेशन इन पाकिस्तान, मेरा नाम है ज़िशान ज़फ़र और मैं आप लोगों के साथ जो है जो PMS पंजाब है उसके लिए एजुकेशन की जो लेक्चर सीरीज़ है वो लेके आया हूँ असलान भाई की वजह से। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों के पास सिलेबस होना चाहिए एंड आई एम होपफुल कि आपके पास ये सिलेबस होगा। पहला टॉपिक हम देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। ठीक है, जब हम हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान की बात करते हैं हम उस रियासत की बात कर रहे हैं, उस मुल्क की बात कर रहे हैं जो एक पोस्ट कॉलोनियल नेशन के तौर पे 1947 में आज़ादी लेता है। ठीक है, अगस्त 1947 के 3 माह बाद नवंबर में हमारे पास पहली जो एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस हमें नज़र आती है आल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 में नज़र आती है और जो एम था वो फादर ऑफ नेशन का स्पेशल फोकस था ऑन दिस सोशल इंस्टीट्यूशन विच इज़ बेसिकली एजुकेशन। और पहली कॉन्फ्रेंस हमें 3 महीने के अंदर अंदर ही नज़र आई जो नवंबर 1947। आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है ना? कोई आवाज़ का तो इशू नहीं है? अगर कोई कंफर्म कर दे कि उसको आवाज़ क्लियर आ रही है। फादर ऑफ नेशन की एक विजन था जी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, जो कि बड़ा क्लियर था उनके की जो नेशन होती है वो तरक्की की मंजिलों को नहीं छू सकती जब तक वो अपना एजुकेशन सिस्टम जो है उन पिलर्स पे कंस्ट्रक्ट नहीं करेगी जो पिलर्स उसको मॉडर्न डेवलपमेंट की तरफ नहीं लेके जाते। ठीक है, फ्यूचर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान ये डिपेंड करेंगे एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा और ये विजन था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। अगर आज का हम अडल्ट लिटरेसी रेट देखें जो कि मोर देन 60% है जो स्कूल जाते हैं, ठीक है, उसको 1947 की कहानी पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमने जिन 4 से 5 एरियाज़ को देखना है वो ये देखना है कि स्टेट अपने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, मतलब स्टेट अपनी ड्यूटी को कैसे डिफ़ाइन करती है पहले आल पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में जो 1947 में मुनक्कद हो रही है। जो सबसे पहले जिस चीज़ को देखा गया उस टाइम पे वो आपकी आइडियालॉजी थी, आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, वो स्पेशल फोकस था। और उसके बाद जब हम इस मुल्क की बात करते हैं जो होमलैंड बना मुस्लिम्स ऑफ इंडिया का, ठीक है, तो हमारे पास 3 इम्पोर्टेंट फीचर्स नज़र आए आल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के जो नवंबर 1947 पे मुनक्कद होती है। सबसे पहला था प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, क्वांटिटेटिव इंक्रीज बड़ा फोकस रहा जिसमें प्राइमरी एजुकेशन में कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है, उसको उस पर फोकस किया गया। अब जब हम ये देखते हैं आज के दौर में इन 2020 में कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 जब हायर एजुकेशन तक जो आपकी 16 साल की तालीम है वो एक रियासत अपने ज़िम्मे लेती है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में, 1947 की आल पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो पहला एजुकेशनल पॉलिसी थी और डेवलपमेंट प्लान था वो प्राइमरी एजुकेशन तक को पहले फोकस कर रही है। उसके साथ साथ ये फोकस किया गया कि जो आपकी इनरोलमेंट होगी वो उस पर कैसे फोकस किया जाएगा ताकि मैक्सिमम जो में इनरोल किए जा सकें उसको देखा गया। और उस पे जो पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस रही 1947 में वहाँ पर पेरिनलिज्म को भी फोकस किया गया, मॉडर्न एजुकेशन बेस्ड ऑन द
लैंग्वेज बट विदाउट कम्प्रोमाइजिंग द नेशनल लैंग्वेज, उर्दू को कम्प्रोमाइज़ किए बगैर जो है मॉडर्न लैंग्वेज जो थी उस टाइम की कंसीडर की जा रही थी, लैंग्वेज थी उसी को भी उसको भी फोकस किया गया। एंड आइडेंटिटी ऑफ दिस कंट्री, जो पाकिस्तान की आइडेंटिटी थी बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क जो आपकी आइडियोलॉजी की बेस पे था, ठीक है, उसको भी मेजर फोकस रखा गया इस पहली कॉन्फ्रेंस में। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, हमने ये क्यों पढ़ना है यहाँ पर कि जो एजुकेशनल पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट प्लान देखते हैं, इसे ये देखते हैं कि हमारी ट्रैजेक्टरी जो है वो किस तरीके से इम्प्रूव हो रही है वर्टिकली और हॉरिजेंटली जो है वो कितना पार्ट प्ले करती है एजुकेशन में एज अ सब्जेक्ट जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस कंट्री जो आइडियोलॉजी की बेस पे था वो किस तरीके से इसको फोकस करती है। अब पहला प्रॉब्लम जो पाकिस्तान ने 1947 में फेस किया वो आपके स्ट्रक्चरल इश्यूज थे, ठीक है, आपके पास इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं थे। तो जब इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं होते और उसके बाद आपने एक की बुनियाद रखनी होती है जिसकी बेसिस पे आप हम इंस्टीट्यूशन जो है वो उनकी बिल्डिंग खड़ी होगी और जो सबसे अहम है आपका दैट इज़ एजुकेशन, तो पहली कॉन्फ्रेंस का जो आउटकम निकला जो मेजर फोकस था वो आप यूँ कह सकते हैं कि आपके उस सोशल इंस्टीट्यूशन की बुनियाद रखी गई जिस पे कंट्री की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट थी और हाई क्वालिटी के साथ साथ आइडियोलॉजी को भी विद इन द फ्रेम काउंट किया गया जो आपकी पाकिस्तानी आइडियोलॉजी है। आई एम नॉट सेइंग हियर कि वो इस्लाम थी, ठीक है, द टू नेशन थ्योरी की बेस भी थी, बट जो मुस्लिम इंडिया का जो आपका ये लैंड था पाकिस्तान, ठीक है, इसके जो बेसिक टेनेंट्स थे वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के साथ ही बेस कर रहे थे। इसमें प्राइमरी एजुकेशन को फोकस किया गया, इस प्राइमरी एजुकेशन के साथ गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की 2% ऑफ द GDP फॉर एजुकेशन, ठीक है। अब उस टाइम पे दैट वाज अ अच्छी खासी अमाउंट थी सीइंग द स्ट्रक्चरल इश्यूज द कंट्री वाज फेसिंग। अब जब हम इस पहली पॉलिसी को देखते हैं एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1947 तो जो अप्रोच रखी गई वो हमारे पास एजुकेशन के हिसाब से स्ट्रक्चरलिज्म को फोकस किया गया और एग्जिस्टेंशियलिज्म को फोकस किया गया। इन दो थ्योरीज़ की बेसिक्स में आपको बेसिक क्रक्स जो है वो यहाँ पर इसलिए बताना चाहूँगा कि हमने जो अपना एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट है जब उसको स्कोरिंग की तरफ लेके जाना होता है तो हम ये देख रहे होते हैं कि पहली कॉन्फ्रेंस में जो पहला एजुकेशनल पॉलिसी प्लान है उसमें क्या कहानी डिस्कस हो रही है और किस तरीके से हमारे पास डिस्कस हो रही होती है। इस वक्त जो पहला प्लान था आपका 1947 का वो बेसिकली एक न्यू लिबरल प्लान था जिसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म को फोकस किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि आपकी बुनियाद आपने बनानी थी, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करना था नए सिरे से, तो प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया और उसके साथ क्वांटिटी को इम्प्रूव करने की कहानी यूज़ की गई क्वांटिटी, ताकि जब क्वांटिटी इम्प्रूव होगी उसके साथ साथ क्वालिटी पे फोकस ऐसे किया गया कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो लैंग्वेज की बेस पे था उसको भी इनकलकेट किया गया। उसको जब इनकलकेट किया जाता है तो आपका जो पहला प्लान है सबसे पहले आपको डायरेक्शन मिल जाती है 1947 नवंबर में कि विद इन द 3 मंथ ऑफ एमरजेंस ऑफ दिस कंट्री एज अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो सॉरी एज अ सोशल इंस्टीट्यूट इस पे फोकस किया गया। उसके 12 साल बाद एक कमीशन बनता है जिसको हम कहते हैं नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन। ये वो एरा है जिस टाइम पे आपके पाकिस्तान के अंदर जिस गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं वो लिबरल गवर्नमेंट है। ट्रैजेक्टरी चेंज की गई थोड़ी सी उस अर्लियर कंसेप्ट पे जो 1947 में बुनियाद रखी गई थी, यानी कि 1947 में आइडियोलॉजी को पहले बेसिक बेस रखा गया, प्राइमरी एजुकेशन पे आपका फोकस किया गया। अच्छा, क्या मैं अगर कैमरा टिल्ट कर दूं तो कोई इशू तो नहीं होगा वीडियो में आप लोगों को? आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। आप लोगों को क्लियर है? अब क्लियर है?
जो नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन था 1959, इसने हमें थोड़ा सा जो इस एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान जो उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा था उसको थोड़ा सा बेहतर किया, बेहतर इस अंदाज से किया कि आपके पास चार एजुकेशन सिस्टम डेवलप होना शुरू हो गया। चार एजुकेशन सिस्टम जब हम बात कर रहे हैं उसमें से तीन तो हमें बड़े विजिबल नज़र आते हैं इस नेशनल कमीशन की बेस पे। अब हम बात करें नेशनल कमीशन, ये डिसेंट्रलाइज प्लान नहीं था, ये प्लान आपको फेडरल गवर्नमेंट दे रही है जो इम्प्लीमेंटेबल था पूरी स्टेट पे चारों सूबों में, ठीक है, और स्टेट की तरफ से ये पॉलिसी थी अयूब खान के एरा में। इस टाइम पे आपकी इनरोलमेंट पे आपके एजुकेशन सिस्टम डिफाइन किए गए, फर्दर लिबरल बेसिस भी इंक्लूड हुई, ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस फर्दर थोड़ा सा बेहतर तरीके से किया गया, आपकी क्वांटिटी को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की गई जिसका असर ये हुआ कि आपका लिटरेसी रेट 1947 के जो टारगेट्स थे उन टारगेट्स पे नहीं बेस हुआ, इस टारगेट में थोड़ा सा रियलिटी का कंसेप्ट रखा गया, ठीक है, रियलिटी का कंसेप्ट इन सेंस ये कि जो टारगेट्स अचीव करने की बात की गई वो प्राइमरी एजुकेशन के अलग टारगेट रखे गए, ठीक है, मिडिल के लिए आपके टारगेट अलग रखे गए और हायर एजुकेशन के लिए टारगेट अलग रखे गए। कम्युनिटी बेस्ड स्कूल सिस्टम भी शुरुआत की गई, कम्युनिटी बेस्ड स्कूल सिस्टम अगर पाकिस्तान को अगर हम उस एरा में देखें तो वो एरा में पाकिस्तान की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो आपकी विलेजेस में रहती है जी, तो काउंसिल स्कूल्स का भी शुरुआत करने की बात हुई इस कमीशन के अंदर। आपकी जो एजुकेशन की रसाई थी उसको नेशनल लेवल पे बढ़ाया गया, ठीक है, कम्युनिटी स्कूल भी इंट्रोड्यूस कराए गए, आपके पास पब्लिक सेक्टर का जो स्कूल था वो भी अपने नए कंसेप्ट नए विजन के साथ इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें क्वांटिटी के साथ थोड़ी सी क्वालिटी पे भी फोकस किया गया। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किए गए, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इसलिए शुरू किए गए जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि इस नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन ने सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस नहीं किया टू इम्प्रूव द लिटरेसी रेट ओनली, ठीक है, इसको लिटरेसी रेट जो है वो मॉडर्न टेक्निक्स पे इम्प्रूव किया गया और आपकी लिटरेसी रेट की जो डेफिनेशन थी वो भी बेहतर हुई। लिटरेसी रेट की डेफिनेशन क्यों बेहतर हुई, उससे पहले जो डेफिनेशन रखी गई थी जो 1947 में थी वो जो पढ़ना लिखना जानता हो अपना नाम लिख सकता हो इस डेफिनेशन तक महदूद था, लेकिन इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की गई और एक क्लास का स्टैंडर्ड रखा गया, ठीक है। उसके साथ आपकी एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर क्लियरली डिवाइड होते हुए नज़र आए, हमें विजिबल होते नज़र आए जो फर्दर इवॉल्व होते हैं इसमें। इसके साथ यहाँ पर टीचर की गए वो जो है इंट्रोड्यूस कराए गए कि टीचर्स को भी ट्रेन किया जा सके और जिस फिलॉसफी की बेसिस पे इस नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन ने काम किया वो फंडामेंटलिज्म थी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी किसी भी एजुकेशनल फिलॉसफी की, टीचर की, करिकुलम की, स्कूल की और क्लासरूम की, वो जो है इंट्रोड्यूस कराई गई। नए स्कूल जो है इस नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन ने नेशन वाइड बनाए और उसके साथ जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स थी उसको कम्युनिटी स्कूल में शिफ्ट किया गया। अब हम उसके बाद जब शिफ्ट करते हैं 1972 से 1980s तक, ये वो एरा है जी जिसमें हमारे पास सोशलिस्ट गवर्नमेंट है। भुट्टो साहब यहाँ पर मौजूद नज़र आते हैं मेजर एरिया में, उसके बाद ज़ियाउल हक साहब की कहानी आती है। अब थोड़े से इम्प्रूवमेंट हुई आपकी इकोनॉमिक सेक्टर की जो उससे पिछला हमारे पास एरा रहा है अयूब खान का, तो भुट्टो साहब ने पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस पे, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादा फोकस किया। प्राइवेटाइजेशन की कहानी, जो प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस थे उन पे एज सच इतना फोकस नहीं था, लेकिन तब तक की प्राइवेटाइजेशन की उस तरीके से इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई थी पूरी दुनिया में जो आज ग्लोबलाइजेशन के बाद कंसेप्ट कंसीडर किया जा रहा है। इसके साथ साथ मदरसा रिफॉर्म कराई गई और जो आप एजुकेशन की एडमिनिस्ट्रेशन थी जिसके अंदर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के तहसील लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको फर्दर स्ट्रेंथन किया गया ताकि वो क्वालिटी फोकस कर सकें और जो आपकी
एक्सपेंडिचर्स हैं, जो आपकी स्पेंडिंग है एजुकेशन की, जो आपको स्टेट एलोकेट करके देती है, वो बेहतर तरीके से की जा सके और आपका जो ये प्लान था द एजुकेशन पॉलिसी जो भुट्टो साहब की कहानी में शुरू हुई, वो जस्ट एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, वो डेवलपमेंट प्लान के साथ ऑलरेडी जो है इंटीग्रेट था। मकसद ये है कहने का कि भुट्टो साहब ने जिस पर्सपेक्टिव के थ्रू इस एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को लिया, उसमें उस इंस्टीट्यूशन की भी इम्प्रूवमेंट की कहानी आई और उसमें पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस की इम्प्रूव करने की कहानी हमें ज़्यादा नज़र आती है। सेम यहाँ पर जो है हमें स्कूल के अंदर डिफेंस सिस्टम भी नज़र आए, जो भुट्टो जो अयूब खान साहब के थे, ठीक है, कोर्सेज कराए जाते थे, वो भी इन्होंने यहाँ पर ऐसा शुरू में रद्द नहीं किया उनको। आपके जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो उससे पहले प्राइमरी एजुकेशन तक कंपलसरी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन थी, उसमें भी हमें यहाँ इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। लेकिन जैसे ही भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म होती है तो जो एजुकेशनल पॉलिसी थी वहाँ पर हमें दोबारा शिफ्ट नज़र आता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक रेफरेंस देता चलूँ ज़फ़र साहब का, ठीक है, ज़फ़र महमूद साहब है आई थिंक, जो सेक्रेटरी रहे हैं एजुकेशन के और वापडा के चेयरमैन भी रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, जो पाकिस्तान की एजुकेशनल पॉलिसी में सबसे, जब पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन इम्प्रूव होना शुरू हुए, उस टाइम पे जो चेंज इन रिजीम था, जो हुकूमत तब्दील हुई और जो हुकूमत उसके बाद आई, ज़िया साहब की हुकूमत आई, उसने जिस एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया, उसमें एक आपका सिस्टम जो था मदरसा सिस्टम, उस वक्त उस पे उस तरीके से फोकस नहीं किया गया जो 1947 से लेकर 1972 तक का फोकस था। उस टाइम पे वो पार्टिसिपेट कर रहा था आप पे लिबरल बेसिस के साथ, लेकिन यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन हुई आपके एजुकेशन सिस्टम में, वहाँ थोड़ी सी चेंज आई। सेकंड जो इम्पोर्टेंट टर्न होता है ज़िया साहब की पॉलिसी में, जो हमें नज़र आता है 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान्स में, जो हमारे एजुकेशन के 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान थे, और आई थिंक इट वाज 6th और 7th डेवलपमेंट प्लान, ठीक है, उसमें फोकस क्वालिटी पे तो एज सच नहीं रखा गया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस को जिस तरीके से इम्प्रूव करने की कहानी उससे पहले भुट्टो साहब लेके चले थे, ज़िया साहब ने उस तरीके से नहीं किया। यहाँ दूसरा बड़ा जो इशू ये हुआ कि जो आपका करिकुलम था, करिकुलम डिसाइड करने के जो इदारे थे, जो एजुकेशन कमीशन में मुंतखब हुए थे, उन इदारों की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज कर दी गई। जब हम ये बात करते हैं कि उन इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज कर दी गई, तो जो हमारे एजुकेशन के प्रॉब्लम्स उसके बाद रहे, चाहे वो डिफरेंट पॉलिसीज़ के थ्रू हमें नज़र भी आए, विजिबल भी आए, और एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन पे जो प्रॉब्लम रहे, जो एजुकेशन का डिके हुआ, उसका मोस्टली जो सहरा है वो हमारे पास भुट्टो साहब के आने वाली हुकूमत पे रहा। अगला जो हमारे पास चार हमें पॉलिसीज नज़र आती हैं जी, जिसमें हम ये देखते हैं कि 1979 की पॉलिसी जो हमने अभी डिस्कस की, इसमें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम थोड़ा सा बेहतर इम्प्रूव किया गया, आपको स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस कराई गई, ठीक है, उसके बाद आपका जो हायर एजुकेशन था उस पर थोड़ा सा फोकस किया जाने लगा, प्राइमरी एजुकेशन जो है इसकी रेंज इंक्रीज़ की गई न्यू स्कूल्स के साथ, लेकिन पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस जो थे यहाँ पर करिकुलम डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं रही जो इससे पहले आल पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 में फोकस किया गया था और नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन 1959 में फोकस किया गया। फिर हमारे पास जो 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान है उसमें दो हुकूमतें बदलती हुई नज़र आती हैं, जिसमें हमारे पास नवाज शरीफ साहब की और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी। इस दौरान जो एजुकेशन की पॉलिसीज़ रहीं उनमें चारों सिस्टम्स जो आपके थे वो थोड़ा सा बेहतर हुए, और दूसरा एक सिस्टम की एडिशन हुई जो स्टेक होल्डर्स, मतलब के
आप यूँ समझ लें कि ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, एनजीओ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, उन्होंने जिन स्कूल सिस्टम्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया वो रहा। और सबसे अच्छा काम जो इस दौरान रहा वो ये था कि बच्चे के साथ उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को फोकस करने के लिए उसकी न्यूट्रिशन पे भी फोकस किया गया। और इस टाइम बजट जो एलोकेट होता है डेवलपमेंट प्लान में, वो प्राइमरी लेवल तक उसकी न्यूट्रिशन पे भी ज़्यादा फोकस किया गया, ताकि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे एज अ होल फोकस किया जाने लगे। 98 में हमारे पास, अगर हम देखते हैं 98 से 2010 तक, 2008 तक बेसिकली मुशर्रफ साहब नज़र आते हैं। मुशर्रफ साहब ने दो तीन अच्छे काम किए, दो तीन जो हम उस पर क्रिटिक थोड़ा सा कर सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि बुरे काम किए। इवेंचुअली एजुकेशन, आपकी जो लिटरेसी रेट था वो टू फोल्ड इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, ड्यूरिंग मुशर्रफ रिजीम। आपकी हायर एजुकेशन एक्सपेंड हुई, इंस्टीट्यूशंस को R&D डिपार्टमेंट इंटीग्रेट करा के दिए जाने लगे जो आपके इंस्टीट्यूशन थे हायर एजुकेशन के। स्कॉलरशिप्स इंट्रोड्यूस कराई गई और प्रोवाइड की गई आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, और प्राइवेट सेक्टर के साथ, पब्लिक सेक्टर के साथ जो प्राइवेट सेक्टर की इंस्टीट्यूशन थी उसकी ग्रोथ नज़र आती है हमें मुशर्रफ रजीम में। तो यहाँ पर जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो मशरूम करता हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से जब हम ये क्रिटिक की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर लेस फोकस्ड एरा रहा, जिसकी हमें निशानियाँ कुछ क्लियर इंडिकेशन यूँ मिलती हैं कि जिस टू फोल्ड पे आपका लिटरेसी रेट इंक्रीज़ कर रहा था 1947 से लेकर अब तक मुशर्रफ रजीम से, उस लिटरेसी रेट में ड्रॉप आउट रेशो ज़्यादा होना शुरू हो गया। जो आपका ड्रॉप आउट रेशो था वो इंक्रीज़ करना शुरू कर गया, ठीक है। लेकिन हायर एजुकेशन पे फोकस होना शुरू हो गया, आपकी जो स्टेट की ड्यूटी थी जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, उसके साथ आपको बुक्स भी फ्री कर दी गई। लिबरल कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन हमें यहाँ ज़्यादा नज़र आता है। यहाँ पर टीचर का जो अथॉरिटी थी उसको भी चेंज कर दिया जाता है। जब हम एजुकेशन के कंसेप्ट में देखते हैं तो टीचर को यहाँ फैसिलिटेटर जो है वो ज़्यादा बनाया जाता है, और जो अथॉरिटेटिव उसकी नेचर थी जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, मोरल और सोशल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी थी, वो उस पर ज़्यादा असर करती है। क्योंकि जिस नेचर के थ्रू इसको चेंज किया गया टीचर के रोल को, वो बेसिकली आपके एजुकेशन सिस्टम को एक बिजनेस सेट बना के जाता है, जिसका इफ़ेक्ट आपके पब्लिक सेक्टर को हुआ और अच्छा खासा रहा। लेकिन जब हम उसके बाद ये देखते हैं कि आपका 18वीं तरमीम नज़र आती है, डेवोल्यूशन, कंसंट्रेशन और डिसेंट्रलाइजेशन नज़र आती है, तो सूबे बा इख्तियार होते हुए नज़र आते हैं। पहले जो पॉलिसीज़ हमें नेशनल लेवल पे नज़र आ रही हैं, अब हमें पॉलिसीज़ प्रोवेंशल लेवल पे, सूबों को इख्तियार दिया गया कि जैसे ही आपकी कंकरेंट लिस्ट एबॉलिश की गई, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोवेंशल अथॉरिटीज़ को सवाबदीद दी गई कि वो इन सोशल सेक्टर के इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज़ एंड डेवलपमेंट प्लान्स खुद भी काउंटर कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ ये देखें कि 3D का मॉड्यूल तो हमें नज़र आया, डी कंसनट्रेशन, मतलब अथॉरिटी डी कंसनट्रेट कर दी गई, सूबों को बाख्तियार बनाया गया। इसके साथ साथ सूबों को फंडिंग भी स्पेंड करने की के लिए बाख्तियार, फिस्कल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो डेवोल्यूशन है वो भी दी गई। जो इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो एजुकेशन की सुपरविजन थी और एजुकेशन की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बेहतर हुई। सारा फ़ायदा पंजाब जैसे सूबे ने उठाया। पंजाब में हमें हायर एजुकेशन नज़र आती है, PEC काम करते हुए नज़र आती है, पंजाब इसको फौरन यूटिलाइज़ करता है। और इसमें हमें पॉलिसीज़ नज़र आती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 14,000 से 16,000 नए स्कूल का ऐलान होता नज़र आता है, स्पेंडिंग थोड़ा सा बढ़ती है, एलोकेशन भी इम्प्रूव होती है। एलोकेटेड बजट की जो स्पेंडिंग थी वो 17% तक इम्प्रूव होती है, सुपरविज़न थोड़ी सी बढ़ती है, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव और तहसील लेवल के जो रोल्स थे उनको इनक्रीज़ कर दिया जाता है, ताकि एजुकेशन को एज़ अ होल बेहतर किया जाए। इस दौरान हमें इंसेंटिव
पॉलिसीज़ भी नज़र आती हैं, टीचर के लिए भी, चिल्ड्रन के लिए भी। और वो पॉलिसीज़ जिसमें भुट्टो साहब ने इंसेंटिवाइज किया था इस एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को, बोथ फॉर चिल्ड्रन बोथ फॉर टीचर, वो दोबारा रिवाइव होती हुई नज़र आती हैं ड्यूरिंग जो मुस्लिम लीग नून का रिजीम रहा उसमें भी, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिजीम रहा उसमें भी। अब जो बूस्ट मिला था प्राइवेटाइजेशन को, ठीक है, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस के लिए कंपटीशन बढ़ गई, जब न्यू गवर्नमेंट आती है, डेमोक्रेटिक रिजीम जब दोबारा आता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ये लोग पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन को पे फोकस करते हैं। मदरसा रिफॉर्म्स की कहानी हमें तीनों रिजीम में नज़र आई, 1959 के कमीशन में भी, 1972 के कमीशन में भी, 2008 में भी, एंड उससे पहले मुशर्रफ रिजीम में भी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जाने लगा, जो मुशर्रफ साहब ने मदरसा की एजुकेशन की एक जो डिग्री थी ग्रेजुएशन लेवल तक भी इक्विवेलेंट करके दी हुई थी, पर मदरसा रिफॉर्म आपको कैटेगराइज कर देता है फोर्थ स्पेसिफिक सिस्टम को एज अ पिलर उन बेसिस पे जो 1947 में आपको इंट्रोड्यूस करके दिया गया था। हुकूमतें चेंज होती हैं जी, जो इस साल का सवाल बन सकता है हमारा वो है न्यू डील का, ठीक है। हमने 5 से 6 बेसिक फीचर्स देखे 18वीं तरमीम के बाद, और जो फंडामेंटल राइट है एजुकेशन का आर्टिकल 25A, कंपलसरी एजुकेशन आपको स्टेट इसकी नंबरिंग को भी इंक्रीज करती है, प्राइमरी लेवल से आपके पास सेकेंडरी लेवल तक हम पहुंचने की कोशिश नज़र आती है। 16 साल तक की एजुकेशन स्टेट की जिम्मेदारी है। न्यू डील क्या करता है? न्यू डील के जो 4 फीचर्स हमें नज़र आते हैं वो यू है कि प्राइमरी एजुकेशन का फोकस उसका एक फीचर है, हायर एजुकेशन का फीचर एक फीचर है, हायर जो एजुकेशन आपकी है उसको भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिफाइन करती है। 4th फीचर जो नज़र आता है वो हमें टीचर की डेवलपमेंट का नज़र आता है। न्यू डील का जो सबसे अच्छा काम हमें देखने में मिलता है, जब पहले एजुकेशनल पॉलिसीज़ में डेवलपमेंट चाइल्ड तक की ज़्यादा फोकस रही, और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू कहीं कहीं हमें रिफ्रेशर कोर्सेज नज़र ज़रूर आए, चाहे वो 1959 का नेशनल कमीशन हो एजुकेशन का, चाहे वो की पॉलिसी हो, डेवलपमेंट प्लान हो। न्यू डील सबसे पहले क्या काम करती है? प्राइमरी एजुकेशन, इसको वो यूनिफॉर्म करना चाहती है। यूनिफॉर्म इन अ सेंस के आपका एक तो मीडियम, उसको यूनिफॉर्म करने की बात नहीं हो रही, कोर्स कंटेंट करिकुलम को यूनिफॉर्म करना चाहती है। सबसे पहली जो एम्बिगिटी है वो ये क्लियर कर लें, इट इज़ नॉट अबाउट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट इज़ अबाउट करिकुलम। क्यों? 2 तरीकों को कैटेगराइज करके, इनफॉर्मल एजुकेशन, और इससे पहले कहाँ इनफॉर्मल एजुकेशन पे फोकस किया जाता था? इससे पहले हमेशा जब भी पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब भी गवर्नमेंट आई तो इनफॉर्मल एजुकेशन पे भी फोकस किया जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो टेन्योर ख़त्म होता था तो फॉर्मल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। न्यू डील अब दोनों एजुकेशन सिस्टम को डील करती है, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी, इन दोनों को हम मिल के कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक एजुकेशन। तो न्यू डील की जो पॉलिसी है, जो पंजाब की एजुकेशन पॉलिसी है, ये स्ट्रेटेजिक एजुकेशन पे फोकस करती है। दूसरी बात, इट इज़ नॉट अबाउट इंक्रीजिंग इन द नंबर्स, जो पहले हमें कमीशन्स, पहले जो हमें डेवलपमेंट प्लान नज़र आए वो हमें ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आते हैं नंबर्स इंक्रीज करने में, ठीक है। यहाँ पर हमें खाली नंबर की बात होती नहीं नज़र आती। शफकत महमूद साहब खुद जो आपके नेशनल मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, वो और प्रोवेंशियल मिनिस्टर सारे मिलके ये बात पे इत्तेफाक करते हैं कि इट इज़ नॉट अबाउट क्वांटिटी नाउ, इट इज़ अबाउट क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी, और इन दोनों के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन का यकजा होना, इन दोनों पे इक्वली फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, लाइक चाइना हो गया, ठीक है,
वो खाली फॉर्मल एजुकेशन पे अपनी डेवलपमेंट प्लान्स एजुकेशन के नहीं रखता, वो स्ट्रेटेजिक एजुकेशन की कंसेप्ट करता है जो आपकी बेस है, ठीक है, स्टेट की आइडियोलॉजी हो गई या स्टेट की जो नेचर है उसको फोकस करते हुए आपकी जो डाइवर्सिटी है उनको भी एक्सप्लॉयट नहीं करता, उनको भी इक्वली प्रमोट करता है। उसके साथ साथ आपकी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उन पे भी कोई कदगन क्या ज़बरदस्ती नहीं लगाता। तो पहला जो प्लान है वो प्राइमरी एजुकेशन लेवल तक न्यू डील में क्वांटिटी इंक्रीज करने का है, उसके फौरन बाद टीचर डेवलपमेंट भी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पे भी फोकस है यूजिंग बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। मॉरल डेवलपमेंट भी है चाइल्ड की, सोशल डेवलपमेंट भी है और टेक्नोलॉजिकल एड के साथ साथ है। एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन को बेहतर करने के लिए टीचर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करेगा, इंटर रिलेट करेगा, ठीक है, और टेक्नोलॉजिकली इक्विप किया जाएगा आपके पूरे सेक्टर को, जिसकी वजह से हमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत में कुछ इकदाम नज़र आते हैं न्यू डील उनको कंटिन्यू करती है, जैसे आपके असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर फर्दर डिवॉल्व हुए इस एडमिनिस्ट्रेशन को ताकि बेहतर सुपरवाइज़ किया जा सके, आपकी ड्रॉप आउट रेशो को कंट्रोल करने के लिए जो आपका रजिस्ट्रेशन मेथड था उसको भी यही न्यू डील कंटिन्यू करते हुए नज़र आती है। इसके बाद जो फोकस रहा न्यू डील का है वो आपका हायर एजुकेशन भी है। दो से तीन हमें इश्यूज नज़र आते हैं, एक आपकी जो बजट कट हुआ, ठीक है, उसके साथ साथ जो पास्ट की गवर्नमेंट का फोकस था स्कॉलरशिप्स अवार्ड करने का उसका तरीकाकार भी चेंज कर दिया गया, लेकिन बजट कटिंग हमें यहाँ नज़र आती है इस हुकूमत की अप्रोच में, लेकिन अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ नॉट अबाउट कि हमने बजट कट किया है, अकॉर्डिंग टू देम हमने इसको फनल किया है, रीस्ट्रक्चर किया है इस स्पेंडिंग को ताकि हम उन एरियाज़ पे फोकस कर सकें जिन एरियाज़ पे हमारी लिटरेसी रेट इम्प्रूव हो सकता है और साथ साथ हम क्वालिटी पे भी फोकस करना चाहते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन की वर्किंग को बेहतर करने के लिए जो न्यू डील है वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अटोनोमी देती है, ठीक है, और सूबे को बाख्तियार करती है पंजाब को कि वो डिसीजंस ले सके अपनी एजुकेशन सिस्टम को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उन एम्स एंड एस्पिरेशंस पे जो फादर ऑफ नेशन ने आपकी रखी थी। इसकी जो पॉलिसी अगर आप पढ़ेंगे तो स्टार्ट ही फादर ऑफ नेशन कायदे आज़म की उसी कोर्ट से होती है जो 1947 की पॉलिसी जिस कोर्ट से स्टार्ट होती है। टाइप ऑफ एजुकेशन जो है वो डिसाइड करती है फ्यूचर ऑफ नेशन को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिसाइड करती है फ्यूचर ऑफ नेशन को। अब क्वांटिटी पे एज सच इतना फोकस नहीं किया जा रहा और क्वालिटी पे फोकस किया जा रहा है, उसके साथ प्राइमरी लेवल पे ड्रॉप आउट रेशो को कम करने के लिए। ड्रॉप आउट रेशो का मतलब ये है कि अगर 100 बच्चे नर्सरी क्लास, मतलब जो आपकी सरकारी स्कूलों में ज़बान इस्तेमाल करूँ तो कच्ची क्लास में दाखिल होते हैं तो कितने बच्चे प्राइमरी लेवल तक पहुँचते हैं, ये ड्रॉप आउट रेशो है। इसको अगर हम कैटेगराइज करें डिफरेंट ज़िलों के हिसाब से तो हमें चकवाल जैसे जो अजला हैं वहाँ तो हमें कोई बेहतर पोजीशन नज़र आती है, लेकिन जब हम मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर में जाएं तो हमें लिटरेसी रेट 17% नज़र आता है और ड्रॉप आउट रेशो मोर देन 60% नज़र आता है स्पेशली फॉर वुमेन। और जब हम सेग्रीगेशन देखें तो ये जो लिटरेसी रेट है इनमें भी इक्वालिटी का कंसेप्ट नज़र नहीं आता। जो वुमेन लिटरेसी रेट है वो राउंड अबाउट 40 के करीब चल रहा है और जो मेल लिटरेसी रेट है वो मोर देन 55% इसको क्रॉस कर चुका है। तो न्यू डील का जो फोकस है वो वुमेन एजुकेशन पे भी है, लिटरेसी डेवलपमेंट पे भी है। कि लिटरेसी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि क्वालिटी को इनकलकेट किया जा रहा है। अब R&D को भी फोकस किया जा रहा है हायर एजुकेशन में, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, जो आपकी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। मसला ये है जी, जब हम एजुकेशन की डेवलपमेंट की बात करते हैं, खुद एजुकेशन की डेवलपमेंट की, तो एजुकेशन की डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक इदारे जो होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अटोनमी नहीं रखते। एडमिनिस्ट्रेटिव अटोनमी दुनिया के हर इंस्टीट्यूशन को बेहतर,
एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन जो लैग करता रहा है पास्ट की तमाम पॉलिसीज़ में, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अटॉनमी थी। इस हकूमत की अभी तक की तो हमें पॉलिसीज़ ये नज़र आती हैं कि वो हायर एजुकेशन लेवल पे तो इदारों को एडमिनिस्ट्रेटिव अटॉनमी देना चाहता है, ठीक है, और उनको अब अगर क्रिटिक करें तो इसका मतलब है कि वो प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। लेकिन अगर हम विज़न देखें, ठीक है, गवर्नमेंट है कि हम पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और वो जो चार एजुकेशन सिस्टम हैं जिसकी वजह से सेग्रीगेशन हो रही है, आपके प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, ठीक है, आपका मदरसा और जो आपकी एनजीओ बेस्ड और इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो इंस्टीट्यूशन हैं इनकी वजह से सेग्रीगेशन है, तो वो इनको यूनिफॉर्म करना चाहते हैं थ्रू आउट द कंट्री। ठीक हो गया आपकी करिकुलम को। तीसरा जो हमने देखा कि टीचर डेवलपमेंट के साथ साथ करिकुलम डेवलपमेंट भी यहाँ फोकस किया जाने लग रहा है, और प्रोग्रेसिविज्म की अप्रोच हमें नज़र आती है। प्रोग्रेसिविज्म इन अ सेंस कि डाइवर्सिटी को एक्सप्लॉइट किए बगैर, उनको हिट किए बगैर रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने की बात होती हुई नज़र आती है, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को भी यूनिफॉर्म की कहानी, इन अ सेंस कि रीजनल डाइवर्सिटी एक्सप्लॉइट ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो। अब हम देखते हैं जी कि एजुकेशन जब खुद एक सोशल इंस्टीट्यूशन है तो 5 से 6 डिफरेंट स्टेक होल्डर्स या जो इदारे हैं इनका क्या क्या रोल होता है, रोल इन अ सेंस कि पब्लिक सेक्टर का क्या रोल होता है जी। पब्लिक सेक्टर जब हम बात करते हैं तो स्टेट की जिम्मेदारी आ जाती है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। पब्लिक सेक्टर हमेशा आपकी लिटरेसी रेट की डेवलपमेंट करता है, आपकी लिटरेसी रेट के जो आपका लिटरेसी रेट है उस लिटरेसी रेट में हमें इम्प्रूव होती हुई नज़र आती है कहानी क्वांटिटेटिव बेस पे। लेकिन पब्लिक सेक्टर विद इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर जब कंपटीशन फेस करता है तो क्वालिटी भी इम्प्रूव करने में रोल प्ले करता है, बोथ फॉर फॉर्मल एजुकेशन एज वेल एज इनफॉर्मल एजुकेशन। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी स्पेंडिंग के बारे में, ठीक है, डिवेलपमेंट प्लान्स के बारे में, और आपके जो पब्लिक स्कूल होते हैं, पब्लिक कॉलेजेस होते हैं, जो आपके गवर्नमेंट इदारे हैं, इन इदारों में टीचर डेवलपमेंट प्लान्स के साथ भी बात शुरू होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड ग्रोथ पे भी फोकस किया जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके बाद आपकी लर्निंग प्रोसेसेस को भी इम्प्रूव करता है। जब हम प्राइवेट सेक्टर देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी आफ्टर ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन जब एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन देखते हैं तो एक मेजर रोल प्ले करता है। मेजर रोल की जब हम बात करते हैं तो क्या, सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट सेक्टर करता है, टेक्निकलिटीज प्रोवाइड करता है, टेक्निकल एड प्रोवाइड करता है ताकि उन स्ट्रक्चर्स को, उनके फंक्शंस को इम्प्रूव किया जा सके। सेकेंडली ये क्या काम करता है, प्राइवेट सेक्टर जो होता है ये कभी भी ऐसा नहीं है कि जी ये बात फॉर श्योर ली जाएगी कि भाई इस प्राइवेट सेक्टर ने आपके एजुकेशन सिस्टम को डिवाइड कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर आपको टेक्निकल एड प्रोवाइड करता है पब्लिक सेक्टर को इम्प्रूव कराने के लिए। अब जिम्मे किसके होगा, ये प्राइवेट सेक्टर की इस हेल्प की जिम्मेदारी पब्लिक सेक्टर पे ही होगी, आपकी लेजिस्लेटिव ब्रांच ही ये डिसाइड करेगी कि प्राइवेट सेक्टर ने किस तरीके से चलना है ताकि पब्लिक सेक्टर को भी इम्प्रूव किया जा सके। सो इन अ बेटर सेंस प्राइवेट सेक्टर आपकी एजुकेशन को इम्प्रूव करके देता है, हेल्प आउट करता है टेक्निकल एड प्रोवाइड करके, बोथ फॉर फॉर्मल एंड मोरल। और दूसरा ये आपका स्टेट पे क्या काम करता है, हेल्प आउट करता है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके साथ खाली क्वांटिटी नहीं जुड़ी, इसके साथ आपकी क्वालिटी भी जुड़ी है, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करके दे रहा होता है स्टेट की, जहाँ पर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है इम्प्रूव कराने के लिए उसकी फीचर्स को, उसके स्ट्रक्चर को, वहाँ पर ये स्टेट को भी हेल्प आउट कर रहा होता है।
1990 के बाद जहां एनजीओस का स्प्रेड नज़र आता है, जहां हमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का रोल बढ़ता हुआ नज़र आता है, वहां पर जहां रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरे कर रही होती है, वहां कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट और कुछ एनजीओस भी कम्युनिटी बेस्ड स्कूल ओपन करते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ है। इससे आपका एजुकेशन बोथ इन वर्टिकल सेंस, इन हॉरिजेंटल सेंस, मतलब इन क्वालिटी एज वेल एज इन क्वांटिटी। वर्टिकल की बात हम कहते हैं क्वांटिटी को, और हॉरिजेंटल की बात करते हैं हम क्वालिटी को। ठीक है, हॉरिजेंटल भी इम्प्रूवमेंट करके दे रहा होता है। अब मसला ये है जी, हम कहते हैं हर चीज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है। रियासत की ज़िम्मेदारी ज़रूर है, लेकिन उसके साथ कुछ और स्टेक होल्डर्स भी होते हैं जो रियासत को सपोर्ट प्रोग्राम के तौर पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अपनी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। जो एनजीओ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये उन एरियाज़ में भी काम करती हैं जिन एरियाज़ में ड्रॉप आउट की वजह से आपकी एडल्ट जाती है। फ़र्ज़ करें आप ड्रॉप आउट हो गए, ठीक है, आपकी शादी हो गई, जो हमारे रूरल एरियाज़ का नेचर है। अब एनजीओ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओ बेस्ड स्कूल होते हैं, ये एडल्ट एजुकेशन में भी सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को। दूसरा, ये फिगर आउट कर रहे होते हैं उन एरियाज़ को जो मोस्ट वल्नरेबल होते हैं और जो मोस्ट रिक्वायर्ड अटेंशन, जिनको मोस्ट अटेंशन रिक्वायर्ड होती है। तीसरा, ये गवर्नमेंट के साथ जब हम ये कहते हैं सपोर्ट प्रोग्राम, तो गवर्नमेंट के जो बजटिंग ड्रॉबैक्स हैं, जो गवर्नमेंट फाइनेंस नहीं कर रही होती पब्लिक सेक्टर को फोकस करते हुए, कुछ जगहों पे जो है लूप होल्स आ जाते हैं, तो एनजीओस उनको फिल कर रही होती हैं। ठीक है, जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो स्कूल्स होते हैं, ये वर्क करते हैं, पाकिस्तान में भी ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फॉरेन डोनर एजेंसीज जी, आफ्टर ग्लोबल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट इंडिपेंडेंट एजुकेशनल पॉलिसी, दिस इज एन एस्टेब्लिश फैक्ट। ग्लोबलाइजेशन के बाद जब एजुकेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का भी हिस्सा रहा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी हिस्सा है, उस वक्त आपकी जो स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट एजुकेशन पॉलिसीज नहीं कैरी कर रही होती। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन राइट है उसके आर्टिकल्स अगर देखें तो एजुकेशन का जो राइट है वो यूनाइटेड नेशन अपनी एजेंसीज के थ्रू इंश्योर करवाता है। फिर उसके बाद फंडिंग एजेंसीज हैं, डोनर एजेंसीज हैं, जो स्कॉलरशिप्स के थ्रू, फंडिंग के थ्रू आपको जो है स्टेट को स्पॉन्सर कर रही होती हैं, सपोर्ट कर रही होती हैं। तो जो फॉरेन डोनर एजेंसीज होती हैं, वो एक तो आपकी डेवलपमेंट प्लान, एजुकेशन के डेवलपमेंट प्लान को कंस्ट्रक्ट करने में बेस्ड ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़, क्योंकि जहाँ जहाँ ज़रूरी नहीं है कि रियासत हर जगह पहुँच सके, रियासत एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन के थ्रू हर चीज़ कर रही होती है, कोशिश कर रही होती है, लेकिन रियासत की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो मल्टीट्यूड लेवल की हैं, सेंस की हैं। तो फॉरेन डोनर एजेंसीज जो होती हैं वो रियासत को सपोर्ट कर रही होती हैं, अंदर पंजाब के अंदर ईसी के थ्रू, आपकी जो छठी क्लास के बाद की जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो यूएस एड प्रोवाइड करता है, इसके पंजाब गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलती रही है। हायर एजुकेशन में भी जो पीईसी आपको स्कॉलरशिप देती है वो भी यूएस एड प्रोवाइड कर रही होती है। तो जो डोनर एजेंसीज होती हैं प्रोग्राम के तौर पे एक्ट कर रही होती हैं, स्टेट्स को सपोर्ट कर रही होती हैं, रियासतों को सपोर्ट कर रही होती हैं कि वो अपने डेवलपमेंट प्लान्स पॉलिसीज़ को अच्छे तरीके से चला सकें। उसके साथ साथ ये फंक्शनैलिटीज़ और स्ट्रक्चर्स को भी इम्प्रूव कराने में आपको एड कर रही होती हैं, टेक्निकल एड भी प्रोवाइड कर रही होती हैं जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत होती है। कंपैरेटिव एजुकेशन, जिसकी बहुत अहमियत है इन दिस सोशल इंस्टीट्यूशन एजुकेशन में, फॉरेन डोनर एजेंसीज वहाँ पर भी आपको प्लान्स दे रही होती हैं। ठीक हो गया,
अब वेरियस स्टेक होल्डर्स जी, एजुकेशन एक सिर्फ डेवलपमेंट प्लान नहीं है, एक पॉलिसी नहीं है, ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स अटैच्ड हैं, ठीक है। वो स्टेक होल्डर्स आपके इस सोशल इंस्टीट्यूशन की इम्प्रूवमेंट बोथ इन वर्टिकली एंड इन हॉरिजेंटली कर रहे होते हैं। बेहतर कब होगी, ये सब बेहतर कब होगा, पब्लिक सेक्टर का रोल है। अगर तो ये आइसोलेशन में काम करेंगे, डिपेंडेंट नहीं होंगे एक दूसरे पे, इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, तो कभी भी पाकिस्तान जैसे एक डेवलपिंग नेशन का एजुकेशन सिस्टम एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन इम्प्रूव नहीं हो सकता। ये सारे जो इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, एनजीओ, ठीक है, डोनर एजेंसीज, ये सारे आज मॉडर्न वर्ल्ड में जहां दुनिया इंटीग्रेट हो चुकी है, ये भी इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट हैं। फ़ायदा कब होता है, फ़ायदा कब होता है, जब आपकी गवर्नमेंट्स, हुकूमतें इन सब को इंटर रिलेट करती हैं और इवेंचुअली एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन ही प्रोग्रेस करता है। इट इज़ नॉट अबाउट कि डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर की है या पब्लिक सेक्टर की है, इट इज़ इन द लॉन्ग रन इट इज़ अबाउट एजुकेशन एज अ सोशल, कि आपकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है, क्वांटिटी भी इम्प्रूव हुई है बेस्ड ऑन फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल एजुकेशन। अब जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात हैं तो टेक्निकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, अफादियत और ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। आपका जो एजुकेशन सिस्टम है एक कंट्री का, वो इंटरकनेक्टेड है दूसरे कंट्रीज़ के साथ। तो ग्लोबलाइजेशन ने जहां आइडियाज़ को ग्लोबलाइज किया है, जहां लोगों को इंटर रिलेट किया है, जहां गवर्नमेंट्स को कनेक्ट किया है, वहां एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन भी डिफरेंट पार्ट्स के, डेवलपिंग वर्ल्ड के, डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ भी कनेक्ट किए हैं, ठीक है, इंटर रिलेट किया है। तो ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा है ज़्यादा, इन सेंस कि एक तो आप स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं, दूसरा आपका जो बेसिक फ्लॉज हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, फंक्शनल इश्यूज हैं, वो आपको सपोर्ट मिलती है, और तीसरा पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए फ़ायदा। जब हमने 70 साल की कहानी समझें तो हमें 11 डेवलपमेंट प्लान्स नज़र आते हैं, एजुकेशनल पॉलिसीज बार बार पर्सनल एस्पिरेशंस पे चेंज होती नज़र आती हैं। जहाँ साहब आए अपनी मर्ज़ी की एजुकेशनल पॉलिसी ले आए, करिकुलम डेवलपमेंट अपनी मर्ज़ी की ख्वाहिशात के मुताबिक कर ली, नेशन की ख्वाहिशात, नेशनल इंटरेस्ट इग्नोर हो गए। भुट्टो साहब आए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ्रेमवर्क चेंज कर दिया, मुशर्रफ साहब आए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ्रेमवर्क चेंज कर दिया। इस दौरान आई जमहूरियत भी, हुकूमतें आईं, उन्होंने भी इसको जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर दिया। पॉलिसी स्टार्ट होने के साथ एजुकेशनल पॉलिसी के 5 स्टेप होते हैं। पहली होती है एजेंडा सेटिंग, वहाँ से आप बात शुरू करते हैं। एजेंडा सेट में आप गोल आइडेंटिफाई करते हैं कि आपने प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या गोल रखने हैं, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए क्या गोल रखने हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए क्या गोल रखने हैं, हायर एजुकेशन के लिए क्या गोल्स रखने हैं, ठीक है, और इनको किस तरीके से कोलैबोरेट कराना है, कौन कौन से टारगेट्स अचीव करने हैं। उसके बाद पॉलिसी ऑप्शंस को भी फोकस किया जा रहा होता है, इनपुट्स ली जा रही होती हैं प्राइवेट सेक्टर से, एनजीओ से, स्टेक होल्डर से, डोनर एजेंसी से, फिर एक पॉलिसी ऑप्शन चूज किया जाता है, उस पॉलिसी पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है, तीसरा स्टेप है। उसकी इवेल्युएशन हो रही होती है, अगर तो टारगेट्स पूरे ना हो रहे हों तो पॉलिसी टारगेट को नहीं चेंज किया जाता, पॉलिसी ऑप्शन चेंज की जा जाती है। फिर उसके बाद उसकी डेसिमिनेशन बड़ी ज़रूरी है, जो पॉलिसी आपने इनिशिएट की है उस पॉलिसी को क्लोज करना उतना ही अहम है जितना आपके लिए अहम पॉलिसी सेट करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्योंकि हुकूमतों के टेन्योर नहीं पूरे रहे हुए,
ठीक है, इस वजह से पॉलिसी क्लोजिंग नहीं हो सकी। इसका मतलब टारगेट्स जो आप अगर एक एक भी रीज़न आपसे मैं डिस्कस कर सकूं, सिर्फ एक रीज़न, पहली कि टारगेट्स क्यों नहीं अचीव हो सकते। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में हमने जो टारगेट रखा था 100% लिटरेसी रेट का, वो अचीव क्यों नहीं हो सका। उससे पहले हमने जो टारगेट्स रखे वो अचीव क्यों नहीं हो सके। हज़ार इश्यूज़ होंगे, इकोनॉमिक इश्यूज़ होंगे, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, फंक्शनल इशू होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू होंगे, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो एज अ इंस्टीट्यूशन एजुकेशन फेस कर रहा है। सबसे अहम इंस्टीट्यूशन है, सबसे अहम जो चीज़ है जिसकी वजह से जिसने पार्टिसिपेट किया एजुकेशन एज अ इंस्टीट्यूशन के टारगेट को अचीव ना कराने में, वो आपकी रन ऑफ पॉलिसीज़ थी। आपने कहानी यूँ शुरू की, आपने एक पॉलिसी प्लान शुरू किया, अरसलान अहमद काजी ने एक एजुकेशनल पॉलिसी दी, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उस टारगेट्स को अचीव करने में लग गई। विद इन टू ईयर अरसलान साहब की हुकूमत ही गई, मैं उसकी जगह पर आ गया, मैंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया वो ख़त्म, जिस जो एलोकेशन आप पे कर रहे थे, जहाँ पर जो प्लान जैसे चल रहा था, ब्रेक लगा दें। अब आपके लिए ये करिकुलम है, ये एजुकेशनल पॉलिसी है, ये एजुकेशन का डेवलपमेंट प्लान है, अब आपने इम्प्लीमेंट करना। तो मसला तो वहीं का वहीं खड़ा रहा, आपके इवैल्यूएशन तो हो नहीं सकी ना, आपकी जो पॉलिसी थी उसके टारगेट्स की हैं लास्ट स्टेज पे, जब आप पॉलिसी क्लोज करते हैं, उससे पहले का स्टेप है इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन तो तब होगी जब 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान में वो एजुकेशन पॉलिसी में कंसिस्टेंसी होगी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन ने पाकिस्तान में फेस किया, वो इवैल्यूएशन का ना होना है, जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ और एजुकेशनल पॉलिसीज़ में रही और पॉलिसी क्लोज नहीं हो सकी। लेकिन फॉर्चुनेटली पिछली दो हुकूमतें आपकी टेन्योर पूरी करती हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एजुकेशनल पॉलिसीज़ इवैल्यूएशन की स्टेज पे पहुंची, रियासतें इवैल्यूएशन, हुकूमतें इवैल्यूएशन कर सकती हैं कि जो टारगेट सेट किए गए थे उनको किस हद तक अचीव किया गया, किन एरियाज़ में ड्रॉबैक्स रहे, पब्लिक सेक्टर के टारगेट्स कैसे अचीव हुए, प्राइवेट सेक्टर के कैसे अचीव हुए, आपको इनपुट्स मिली उन तमाम स्टेक होल्डर्स की जो एक्सपर्ट्स थे। इसका इवेंचुअली फ़ायदा ये होगा कि आपकी क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। नाउ सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गप है या आर्गुमेंट है जो हम इस पहले हेड में जिस तरह से सवाल आता है एजुकेशन का पीएमएस के अंदर, अगर हम वो डिस्कस करते हैं, या वैसे आपका ऐसे आता है कि आपके इश्यूज़ क्या हैं, जब हम इश्यूज़ देखते हैं तो ये तीन तरह के इश्यूज़ हैं। स्ट्रक्चरल इश्यूज़, उसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी शामिल हैं। दूसरा है फंक्शनल इश्यूज, जिसमें आपकी इकोनॉमिक्स डिस्टर्ब करती है, वो रोल प्ले कर रही होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशल इंस्टीट्यूशन की बेहतरी, प्रोग्रेस और उसकी फेल्योर के लिए भी रोल प्ले कर रही होती है, ठीक हो गया। तीसरी जो चीज़ रोल प्ले कर रही होती है वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स ये कि आपकी स्टेट की प्रायोरिटी क्या है, कि आपने किस सेक्टर को इम्प्रूव करना है, आप किस करिकुलम को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप किस चाइल्ड की डेवलपमेंट करना चाहते हैं, एज अ होल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, या आपने सेग्रीगेशन करनी है, कैटेगरीज में किसी को इम्प्रूव कराना है। तो रियासत की जिम्मेदारी होती है कि इन सब को रिलेट करती है, इन सब को इफेक्टिव मैकेनिज्म में लेके आती है, ठीक हो गया। तो जहाँ पर हमने हमारा लिटरेसी रेट 100% नहीं है, ये है तस्वीर का एक जो कहता है गिलास आधा खाली है, जो आपका एग्जामिनर भी आपसे देखना चाहता है, वो कहता है तनकीद करो, क्रिटिकल एनालिसिस आप दें, लेकिन ये तो बताएं कि गिलास आधा भर तो गया है। जहाँ से आपने शुरू किया था लिटरेसी रेट की, 1947 नवंबर की जो आपकी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी, सबसे पहले
एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जहां से आपने सफ़र का आगाज़ किया था, क्या उस सफ़र में गिलास 60% भरा नहीं है? अगर तो आंसर इज़ यस, तो आधा गिलास क्यों नहीं भरा, उस पे क्रिटिकली एनालिसिस देने हैं। और जो दूसरे सेक्टर की जो आधा गिलास भर गया है आपका, अगर उसमें 60% लिटरेसी रेट तक आप पहुँचे हैं, तो तनकीद ये है कि उसमें इनइक्वालिटी रही है। पंजाब अगर उस टारगेट को अचीव कर रहा है तो केपी, बलूचिस्तान और सिंध क्यों नहीं अचीव कर रहा? पंजाब का साउथ पंजाब क्यों नहीं अचीव कर रहा? वाई देयर इज़ एन इनइक्वालिटी? इसका आंसर आपको मिलेगा कि स्टेट्स ने, रियासतों ने, हुकूमतों ने पास्ट में कुछ सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस किया है, और जो स्टेट की प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में स्टेट की ड्यूटी शामिल है कि स्टेट मस्ट इंश्योर, और कॉन्स्टिट्यूशन आपका कहता है स्टेट उस इंश्योरिटी में लैक करती है कहीं ना कहीं। लेकिन पॉजिटिव पिक्चर ये है कि अब हमें जिस साइड पे मूव करना है वो है स्ट्रेटेजिक एजुकेशन। क्यों? क्योंकि फादर ऑफ नेशन ने 1947 में कहा था, इट इज़ नॉट अबाउट एजुकेशन, इट इज़ अबाउट टाइप ऑफ एजुकेशन एंड लेवल ऑफ एजुकेशन विच डिसाइड द कोर्स ऑफ नेशन। ठीक है, तो आप अपनी देखिए बगैर किस तरीके से इन चारों एजुकेशन सिस्टम को कोरिलेट करते हैं विदाउट कंप्रोमाइजिंग द बेसिक पिक्चर। डाइवर्सिटी इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमेशा एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सपोर्ट करती है। मैं पर्सनली समझता हूँ कि आप यूनिफॉर्म करिकुलम की तो बात कर सकते हैं, यूनिफॉर्म मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर सकते, कम से कम एट स्पेसिफिक लेवल। क्योंकि लिटरेसी इम्प्रूवमेंट लिंग्विस्टिक के साथ अटैच है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क की खूबसूरती ही यही है कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी रखता है। तो आप सेंटर जो आपका वफाक है वो किसी पे आफ्टर 18th अमेंडमेंट यूनिफॉर्म मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की एट स्पेसिफिक लेवल बात नहीं कर सकता और नहीं करनी चाहिए। आपको रीजनल डाइवर्सिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए और प्रमोट करना चाहिए। इवेंचुअली आपका एजुकेशन सेक्टर बोथ इन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल विल इम्प्रूव। ठीक हो गया जी, ये है हमारा आज का लेक्चर, जो कि थोड़ा सा हिस्टोरिक बेसिस भी पे था और कुछ न्यू प्लान्स थे।